गाइस वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुरटाउस्कीज क्लोजर एक्सियम्स। ओके सो ये फोर प्रॉपर्टीज हैं। ओके सो के वन क्या है, सी ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई, के टू इज ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई, के थ्री इज सी ऑफ ई इज इक्वल टू सी ऑफ ई, एंड फोर्थ वन इज सी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी। ओके सो ये जो एग्जाम्स हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनके प्रूफ भी पूछे जाते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम। सो फर्स्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, सी ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव। सो कंसिडर करते हैं सी ऑफ फाइव। ओके सो सी ऑफ फाइव को हम कैसे लिख सकते हैं, फाइव यूनियन डी ऑफ फाइव। ये कहाँ से लिखा, हमने प्रीवियस वीडियो में एक थ्योरम देखी थी, उसमें क्या था, सी ऑफ ई इज इक्वल टू ई यूनियन डी ऑफ ई रहता है। सो वैसे ही यहाँ पे ई की जगह पे क्या है, फाइ है। सो हमने क्या लिख लिया, फाइ यूनियन डी ऑफ फाइ। ओके नाउ वी नो डैट डी ऑफ फाइ क्या रहता है, एम्प्टी सेट रहता है। ओके सो इसके जगह पे हम फाइ लिख देंगे। सो फाइ यूनियन फाइ इज नथिंग बट फाइ। सो ये प्रूफ हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड एग्जियम। सेकेंड एग्जियम में क्या प्रूफ करना है, डैट ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई। सो टू शो डैट ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई, वी टेक वन एलिमेंट फ्रॉम ई एंड शो इट इन सी ऑफ ई। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ई, एक्स किस में बिलोंग करता है, ई में बिलोंग करता है। ओके एंड ई किसका सबसेट है, डी ऑफ ई का सबसेट है। ओके मीन्स ई जो रहता है वो डेराइव सेट का सबसेट रहता है। ओके हमें पता है। सो क्लियरली ई इज सबसेट ऑफ ई यूनियन डी ऑफ ई। ये कैसे लिखा, देखो एक्स बिलोंग करता है ई में एंड ई किसका सबसेट है, डी ऑफ ई का। सो ई किस में बिलोंग करेगा, डी ऑफ ई में भी बिलोंग करेगा ना। सो एक्स इसमें भी बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग करता है, मीन्स उनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। सो क्लियरली ई इज सबसेट ऑफ ई यूनियन डी ऑफ ई। ओके ये आप दो तीन स्टेप बढ़ा सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि एक्स इसमें भी बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग करता है, सो उनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। ओके लेकिन हमने अभी एक्स कहाँ से लिया था, पहले ई में से लिया था। अभी कहाँ मिल रहा है, यूनियन डी ऑफ ई में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ई किसका सबसेट है, यूनियन डी ऑफ ई का। और ई यूनियन डी ऑफ ई जो है, सो देखो ई यूनियन डी ऑफ ई किसकी वैल्यू रहती है, सी ऑफ ई की वैल्यू रहती है। सो इसके जगह पे हमने सी ऑफ ई लिख लिया। सो यही प्रूफ करना था हमें, ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई। नाउ इन थर्ड एग्जाम वी नीड टू प्रूव डैट सी ऑफ ई इज इक्वल टू सी ऑफ ई। ओके सो दिस इज इक्वल टू दिस दिखाना है, मीन्स हम बताएंगे डैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, एंड इन सेकेंड पार्ट वी विल शो डैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ओके सो पहले एक्स जो है वो इसमें से लेते हैं, सी ऑफ ई में से। ओके एंड हम दिखाएंगे डैट डैट एलिमेंट बिलोंग्स टू सी ऑफ ई। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी ऑफ ई, दिस इम्प्लाइज डैट एक्स विल बिलोंग टू सी ऑफ ई यूनियन डी ऑफ सी ऑफ ई। ये कहाँ से लिखा, देखो हमें पता है डैट सी ऑफ ई क्या है, ई यूनियन डी ऑफ ई के बराबर है। ओके सो यहाँ पे ई की जगह पे क्या है, सी ऑफ ई है। ओके सो जस्ट रिप्लेस ई हियर बाय सी ऑफ ई, क्या मिलेगा, सी ऑफ ई यूनियन डी ऑफ सी ऑफ ई मिलेगा। ओके सो एक्स इनके यूनियन में बिलोंग करता है, मीन्स एक्स इसमें भी बिलोंग करेगा, इसमें भी बिलोंग करेगा। ओके सो ये जो है हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था डैट सी ऑफ ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था। सो एक्स बिलोंग्स टू सी ऑफ ई ये मिल गया है, लेकिन ये भी तो है। सो इसके लिए भी प्रूव करेंगे डैट एक्स बिलोंग्स टू सी ऑफ ई। सो देखो एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी ऑफ सी ऑफ ई, मीन्स इसके डेराइव सेट में एक्स बिलोंग करता है। ओके सो देखो सी ऑफ ई क्या रहता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट
कंटेनिंग ई। सो ये क्या बन गया, सी ऑफ ई यहाँ पे क्या है, क्लोज सेट है। सो क्लोज सेट है सो वो सेटिस्फाई करेगा ना ये प्रॉपर्टी, सी ऑफ ई इज सबसेट ऑफ डी ऑफ सी ऑफ ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई। यहाँ पे सी ऑफ ई क्लोज सेट है इसलिए हमने ऐसे लिखा। ओके, क्लोज सेट की ये प्रॉपर्टी रहती है। सो वही लिखा है हमने यहाँ पे, सिंस सिंस सी ऑफ ई इज क्लोज सेट, नाउ डी ऑफ सी ऑफ ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई, ये क्लोज सेट की प्रॉपर्टी रहती है। ओके, सो देखो अभी एक्स इसमें बिलोंग करता है लेकिन ये किसका सबसेट है, सी ऑफ ई का है, सो एक्स विल बिलोंग टू सी ऑफ ई। ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, सी ऑफ ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई, ये प्रूफ हमने कर दिया है। और जो अभी सेकेंड पार्ट है डैट इज ये इसका सबसेट जो दिखाना पड़ता है इसका, तो वो तो ऑब्वियस है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये पार्ट मींस जो फर्स्ट पार्ट है हमने क्या प्रूफ किया, डैट सी ऑफ ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई, ये प्रूफ कर दिया फर्स्ट पार्ट में। ओके, अभी जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है, सी ऑफ ई इज सबसेट ऑफ सी ऑफ ई, ये जो सेकेंड पार्ट है ये तो ऑब्वियस है। ओके, सो देयरफॉर सी ऑफ ई इज इक्वल टू सी ऑफ ई। ओके, सो ये जो है स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलते हैं फुल मार्क्स। सो अभी देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, डैट इज सी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी। सो टू शो सी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी, यहाँ पे सी कैसा है, स्मॉल सी है। सो कंसिडर सी ऑफ ए यूनियन बी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, सो इट इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन डी ऑफ ए यूनियन बी। ये कहाँ से लिखा, हमें पता है डैट सी ऑफ ई को हम कैसे लिख सकते हैं, ई यूनियन डी ऑफ ई लिख सकते हैं, यहाँ पे ई के जगह पे क्या है, ए यूनियन बी है। सो जस्ट रिप्लेस ई ईयर बाय ए यूनियन बी, राइट। अभी डी ऑफ ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी, ये है डेराइव सेट की प्रॉपर्टी। सो अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनियन, ए यूनियन डी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन डी ऑफ बी, सो दिस इज़ नथिंग बट सी ऑफ ए, यूनियन की साइन वैसे के वैसे, एंड इसके जगह पे हमने लिख दिया सी ऑफ बी। ये कैसे लिखा, यूजिंग दिस। सो यहाँ पे ये फोर एग्जाम्स हमने प्रूफ कर लिए। ओके, सो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो थम्स अप। थैंक यू।